हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैरेक्टर में टोकन एनिमेशन क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों, मैंने आपको कैरेक्टर को क्रिएट करना, कैरेक्टर को रिग करना और कैरेक्टर में वॉक साइकिल क्रिएट करना पहले ही सिखा दिया है। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख लेना। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको वीडियो का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने सिर्फ कैरेक्टर का हेड यूज़ किया है, ठीक है। तो करना क्या है, इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आ जाना है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में, शेप की पर क्लिक कर देना है और यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। वापस से एक बार प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, बेसिक को कुछ भी नहीं करना है और की वन है यहाँ पर हमें टॉक कर देना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम टॉकिंग एनिमेशन क्रिएट करेंगे, ठीक। और जो वैल्यू है इसको वन कर देना है, टेप प्रेस करके आ जाना है एडिट मोड में। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल एडिटिंग है, इसको चूज़ कर लेना है, इसमें आ जाना है। अगर आपके यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट होगा तो आपको कनेक्टेड ओनली सिलेक्ट कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेना है, रिप्रेस करना है और आ जाना है राइट ऑर्थोपेटिक पर। इस वर्टेक्स को हम ग्रैब करेंगे नीचे की ओर, ठीक है, तो जी प्रेस करना है और जो सर्कल इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना है, ओके। आप माउस की व्हील बटन है इसको रोटेट करोगे तो कर्सर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक। अब इसको हम ग्रेप करके नीचे की ओर ला देंगे, ओके डन। वन प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोपेडिक पर आ जाना है। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा परफेक्ट नहीं है, तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, ठीक, और लास्ट में ये सेंटर वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक। अब इसको थोड़ा ग्रेप करके नीचे की ओर लाएंगे, उससे पहले हम कर्सर को थोड़ा छोटा कर देंगे, मतलब ये जो हमारा सर्कल है इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक, ओके डन। अभी क्या करना है आपको, सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसे करना है, ऊपर की ओर इतना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इसको थोड़ा ग्रेप करके ऊपर की ओर ले जाना है, ओके डन। अभी हम दोस्तों यहाँ से इसको चूज़ कर लेंगे, अब आप देख सकते हो, ओके, यहाँ पर टॉप करता हुआ बन गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम जीरो कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम साउंड एड करके इसमें टॉकिंग एनिमेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। करना क्या, पहले तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेना है, डन। अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमें एक नया टैब ओपन कर देना है, ठीक, यहाँ पर आ जाना है, फिर यहाँ से हमें वीडियो सिक्वेंसर में आ जाना है, ठीक है, एड में जाना है और साउंड पर क्लिक करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक साउंड डाउनलोड करके रखा है, ठीक है, आप अपना कोई भी साउंड एड कर सकते हो, ओके, पर इसमें कोई म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, वीडियो बनाने के बाद म्यूज़िक को अलग से एड कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको वन की फ्रेम पर आ जाना है और इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक, और यहाँ पे है ना ये जो दिख रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू डॉट बन गया है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको एक और नया यहाँ पर टेप ले लेना है, ओके, यहाँ पर आ जाना है, ग्राफ एडिटर पे जाना है, ठीक है, और जो की है यहाँ पर इसको चेक कर दे दो, जिससे ये भी ओपन हो जाएगा। अभी क्या करेंगे दोस्तों, की में जाना है, बैक साउंड टू एफ कर्व, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और आपने वहाँ पर जो ऑडियो लिया था सेम ऑडियो यहाँ पर भी आपको चूज़ करना है, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मैं इसको प्ले करके देखूँगा। हेलो एवरीवन, आई एम नताशा द 3D गर्ल, थैंक्स फॉर वाचिंग ट्यूटोरियल। अभी दोस्तों यहाँ पर एक कमी है, जो कैरेक्टर है वो साउंड के हिसाब से टॉकिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे कर रहा है, जो परफेक्ट नहीं है, तो इसको हम परफेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाना है प्लेबैक पर, यहाँ पर जाना है ऑडियो साइक्रोनाइज को चूज़ कर लेना है, ठीक है, डन। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे, वन पे आ जाना है और प्ले करना है। हेलो एवरीवन, आई एम नताशा द 3D गर्ल, थैंक्स फॉर वाचिंग ट्यूटोरियल। हेलो एवरीवन, आई एम नताशा द 3D गर्ल, So, दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कितना आसान है टॉकिंग एनिमेशन क्रिएट करना। आप भी इसी प्रकार अपने कैरेक्टर में
टॉकिंग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।